फैमिली आज का व्लॉग हम 4:30 बजे चालू कर रहे हैं और उसका भी एक रीजन है, तो चलो पहले रीजन की तरफ चलते हैं। तो यार देखो, बात की तरफ बढ़ने से पहले, अभी मैं सोफे पे बैठ नहीं रहा था लेकिन बैठना पड़ा, उसके पीछे भी एक रीजन है कि मैं बाहर गया और बाहर तो ज्यादा ही गर्मी हो रही है। तो इससे पहले मैं अपने आप को किलचाता वीडियो बनाते हुए मैंने कहा अंदर बैठते हैं चिल मारते हुए। तो हाँ जी, बात करते हैं अब सुबह की। तो सुबह नहीं यार, दोपहर की। दोपहर मेरे लिए सुबह, क्योंकि उस टाइम 12 बज रहे थे, तुम्हारे लिए वो दोपहर भी हो सकती है। और किन किन लोगों के लिए सुबह है कमेंट करके बताना। और हाँ, बात करते हैं दोपहर 12 बजे की, जब मैं उठा। आज मैं लेट उठा था, और रोज़ अपनी वीडियो 10:30 बजे आती है, और आज 12 बजे उठ के मेरी रोज़ वाली आदत YouTube स्टूडियो में जाना एक उम्मीद के साथ कि अपनी वीडियो वायरल तो नहीं हुई। और जैसे मैं गया, स्क्रॉल डाउन करते मेरे सामने बढ़िया वाली चीज़ आई, 0 views पहले 10:30 से लेकर 11:30 और 12, 1.5 घंटे के 0 views, कोई नहीं आया। फिर मैंने गुस्से में आके स्टोरी भी डिलीट कर दी यार इंस्टाग्राम। मैंने कहा स्टोरी भी डिलीट कर देते, कुछ फ़ायदा नहीं है यार वीडियो बनाने का, और मैं दूसरी स्टोरी डाल रहा हूँ कि तुम लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं स्टोरी नहीं डालूँगा। फिर मैंने सोचा कि आना तो मैंने यहीं पे वापस है रात को स्टोरी डालने की, नी व्लॉग इज आउट, तो फिर मैंने उसको डिलीट करा। अब इससे पहले तुम लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो बहुत ज़्यादा, तो सीधी सीधी मकसद की बात पे आते हैं। थोड़ा सा समझो यार, मैं आज सुबह से पागल हो रहा हूँ तो थोड़ा सा समझना। फिर मैंने उसको यार मतलब डिलीट करा कि नहीं यार, नहीं ये नहीं डालूँगा मैं, क्योंकि रात को यहीं पर वापस आने। फिर मैंने वीडियो बनाना चालू करा, और अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन अंदर से खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उदास था उस टाइम, व्यूज़ नहीं आए ना यार, तो उदास तो हूँ भाई। तो ठीक है यार, लेकिन फिर मैं अभी मतलब मैं नानी को इसलिए लेके आया था, अगर तुम पुराने वाले व्लॉग देखते हो, क्योंकि मैं बोर हो रहा था, तो फिर मैंने अभी नानी से 1 घंटा बैठ के बात करी। तो उसके 1 घंटे के बाद, यानी कि इस टाइम पर मैं डिसाइड करा कि मैं पुरानी वाली वीडियो डिलीट करूँगा और एक व्लॉग और चालू करता हूँ, थोड़ा छोटा ही सही लेकिन व्लॉग होता है तो थोड़ा सा लाइफ का पार्ट दिखा देंगे आज, तो एक और व्लॉग चालू करा जो कि तुम देख रहे हो। तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी, और डिलीट करने के बाद यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब मैं एक चीज़ सीख चुका हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उतने भी हो, कभी ना कभी तो सपोर्ट करेंगे, और क्या हो गया अगर 1.5 घंटे में 0 views हैं, 3.5 घंटे में भी वैसे ही थे, और मैं किल्सन में वीडियो बनाए जा रहा था, करीब करीब सुबह से लेके अभी तक 10 मिनट की वीडियो बना चुका था, बोले जा रहा हूँ किलस गया था ना, ये चीज़ तुम्हारे साथ ही होती होगी, किलस जाओ। तो मैंने अपनी किल्सन को वीडियो में निकालने की कोशिश करी, बीच में कोई चीज़ अच्छी बोली तो उस अच्छी चीज़ पर चलते हैं। हाँ जी, तो अच्छी चीज़ पर आ चुके हम। तो अच्छी चीज़ ये है कि सौरभ जोशी के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, जिसकी मेरे को दिल से खुशी हो रही है इस टाइम पर, और मज़ा आया। मैंने अंदर से सोचा यार कभी ना कभी अपना भी ऐसे ही सपोर्ट होगा, तो हम लोग जितने भी लोग आएंगे इस वाली वीडियो से, कोई आएगा कि नहीं या इस वाली वीडियो में व्यूज आएंगे पता नहीं, लेकिन हाँ ठीक है यार, ठीक है कोई बात, जितने भी व्यूज आ रहे हैं, जितने भी व्यूअर यहाँ तक पहुँचे, बात करते हैं। हाँ तो कभी ना कभी तो अपन को भी सपोर्ट देखेगा, और ये चीज़ सोच कर मैं आज के दिन स्टार्ट कर सकूँ। और ठीक है यार, अभी तक मैंने पबजी खेली, नाश्ता करा और कुछ भी नहीं करा, और अभी फिलहाल मम्मी को बोला है कि पास्ता बना दो, जो कि रेडी टू ईट पास्ता है, लेकिन उसमें चटनी का तड़का लग रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अलग करेंगे ना यार, ऐसे मज़ा कहाँ आएगा। और साथ ही साथ सब कुछ वैसे ही जान अंदर नानी बैठी हुई है, मेरी बात सुन रही होगी कि मैं वीडियो में क्या बोल रहा हूँ,
इधर मम्मी किचन में लगी हुई है, वो भी मेरी बात पर ध्यान दे जाऊँगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं सिर्फ भूले जा रहा हूँ उस टाइम पर। इससे पहले शक्ल देख देख के बोर हो और यार लोकेशन को चेंज करते हैं, इस शक्ल को चेंज करते हैं और कहीं और चलते हैं। सर ये रहा यार पास्ता, और एक बार पास्ते की शक्ल दिखाओ भाई। तो यहाँ पे यार मिक्स सॉस बनाने के बाद पास्ते की शक्ल कुछ ऐसी सी हो गई है, और वैसे तो ये अपना मैगी का चीज़ मैकरोनी पास्ता बोल रहा हूँ, मैकरोनी चीज़ मैकरोनी थी जो कि फ़िलहाल मिक्स सॉस हो चुकी है। सर थोड़ी सी बस थोड़ी बेलने के बाद फिलहाल अपन इसमें से भी ये निकालते हैं यार अपना लाहौरी जीरा। तो पहले तो यार मैं कैमरे को थोड़ा सा एंगल वेंगल कम करूँ, तो ज़्यादा ही जूम हो गया और गर्मी लग रही है, तो आराम से बैठ कर पीता हूँ भाई। और क्या ही कर सकते हैं, क्या ही करेंगे हम दिन के अंदर। अब मुझे पता है कि मेरा ये वाला ब्लॉग आज का शायद से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए, बाकी हाँ कल हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं, तो तैयार रहना अगली वीडियो के लिए। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और पंजाबी की फैमिली के अंदर आओ। अब मैं काम करता हूँ, कैमरे को बंद करता हूँ, मतलब फ़ोन के कैमरे को बंद करता हूँ और इसको खोल लूँ यार, क्योंकि एक हाथ से खुलेगी नहीं है ऐसे, और जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ नहीं खुलने वाली, तो इसको खोल के मिलता हूँ। सो फिलहाल हम इसको खोल चुके हैं और मेरे को देखो मत, जाओ वीडियो को पॉज करो, नीचे से लेके आओ और एक चीयर्स करते हुए और लाहौरी जीरे को जरा इंजॉय करें। और क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे यार। अभी तक नहीं गए, जाओ जाओ यार लेके आओ यार, क्या कर रहे हो, खत्म हो जाएगी, मेरे को एक और निकालनी पड़ेगी, जाओ ले आओ। अब मुझे ख़त्म करने के बाद ये भी पता है कि 90-92% लोग 100% भी हो सकते हैं नहीं गए होंगे लेने, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी ख़त्म हो चुकी है, जब तुम्हारा दिल करे तब ले आना। और ठीक है यार लोकेशन चेंज करते हैं यार, और जैसी पास्ता आता है पास्ता भी खाता हूँ पीता हूँ। यार फिलहाल के यहाँ पे पास्ता तैयार हो चुका है और कभी यार मतलब चीज़ पास्ते की शक्ल ही चेंज हो गई है, और इस पास्ते की शक्ल को देख देख के नानी को भूख लग चुकी है वहाँ पे, तो नानी का पास्ता भी आ रहा है। नानी आगे बिल्कुल कपड़ा बिछा के कपड़ा बिछा के मतलब बिल्कुल तैयार हो गई है, ये नानी का भी पास्ता आ गया। मम्मी आपका खाएं, ओए होए तुम भी पास्ता खा लो या फिर वहीं पे बैठे बैठे ऑर्डर चला लो, जो मर्जी कर लो, मतलब घर पे बना लो लेकिन खा लो भाई, पास्ता खा लो। और मैं भी खाता हूँ, नानी भी खाती है, मम्मी भी खाती है, तुम भी खाओ, खा के मिलते हैं।